सुप्रभातम, मैं रेखा कपूर आज आप सबको सरम नाम परिचय से अवगत कराऊंगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में कुछ सर्वनाम निम्नलिखित होते हैं जो अधिकतर प्रयोग में आते हैं, जैसे तत् यानी वह, किम यानी क्या कौन, अस्मद यानी मैं, युष्मद यानी तुम, एतत् यानी यह। फिर से दोहराएंगे, तत् वह, किम क्या कौन, अस्मद मैं, युष्मद तुम, एतत् यह। अब हम इन सर्वनामों के कुछ रूप देखेंगे। पहला सर्वनाम तत् यानी वह, इसके हम एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम तीनों लिंगों में यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में देखेंगे। पुल्लिंग स यानी वह, तौ यानी वे दो, ते यानी वे सब, तम यानी उसको, तौ उन दो को, तान उन सब को। स्त्रीलिंग सा वह, ते वे दो, ताहा वे सब, ताम उसको, ते उन दो को, ताहा उन सब को। नपुंसकलिंग तत् वह, ते वे दो, तानी वे सब, तत् उसको, ते उन दो को, तानी उन सब को। अगला सर्वनाम एतत् यह है। इन सब को भी हम एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम तीनों लिंगों में यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में देखेंगे। एष है यह, एतौ ये दो, एते ये सब, एतम इसको, एतौ इन दो को, एतान इन सब को। स्त्रीलिंग एषा यह, एते ये दो, एताहा ये सब, एताम इसको, एते इन दो को, एताहा इन सब को। नपुंसकलिंग एतत् यह, एते ये दो, एतानी ये सब, एतत् इसको, एते इन दो को, एतानी इन सब को। अगला सर्वनाम किम यानी क्या कौन, कह कौन, कौ कौन दो, के कौन सब, कम किसको, कौ किन दो को, कान किन सब को। स्त्रीलिंग का कौन, के कौन दो, कहा कौन सब, काम किसको, के किन दो को, कहा किन सब को। नपुंसकलिंग किम क्या, के क्या दो, कानी क्या सब, किम किसको, के किन दो को, कानी किन सब को। इस सब में आप देखेंगे कि जो के सर्वनाम है, क्या दो, कौन दो, किन दो, कॉमन सर्वनाम है। अगला सर्वनाम अस्मद यानी मैं, दोनों लिंगों में समान, यानी कि यह सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होता है। अहम मैं, अवाम हम दो को, वयम हम सब, माम मुझको, अवाम हम दो को, आसमान हम सब को। अगला सर्वनाम युष्मद तुम, यह सर्वनाम भी दोनों लिंगों में समान होता है।
यानी कि यह सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होता है। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, युयम तुम सब, तवाम तुमको, युवाम तुम दो को, युष्मान तुम सबको। धन्यवाद।